हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट इंजीनियर। जैसे कि आप लोग को पता है, वी आर इन लॉकडाउन और हम लोग को जिम जाने पॉसिबल नहीं है। हम होम वर्कआउट कर रहे हैं या फिर गार्डन में जाके वर्कआउट्स कर रहे हैं, जिनके पास वो भी अवेलेबिलिटी का लाइक जाने के लिए अवेलेबल है गार्डन्स में। तो जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देखा ही होगा, मैंने लिखा है ईट फैट टू लूज फैट। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि फैट खाने से फैट कैसे कम हो सकता है, या वीगन उल्लू तो नहीं बना रहा है। तो आई विल एक्सप्लेन यू द डिटेल थिंग कि फैट खाने से फैट लॉस कैसे होता है। सो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको ये यूजफुल लगता है, और इसको अपने डेली लाइफ स्टाइल में फॉलो भी करना। सो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ, ईट फैट टू लूज फैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फैट क्या है? एक मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो अपने बॉडी को बहुत रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि बॉडी से फैट निकालना है मीन्स आपको फैट कंज्यूम ही नहीं करना है। वो एक मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसके बिना अपना बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता है। तो फैट का जो फंक्शन होता है बॉडी में, वो होता है मतलब वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है अपने ब्रेन फंक्शन के लिए, नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए और हार्मोन्स प्रोडक्शन के फंक्शन के लिए। तो ये फैट का मेन काम होता है। तो जैसे ही अगर आपको फैट लॉस करना है, तो लोग क्या करते हैं, अपने डाइट से, अपने लाइक जो भी उनका डाइट होता है, उससे उन लोगों फैट को पूरा निकाल देते हैं या फिर पूरा फैट को बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, बॉडी में कोई फैट जाता नहीं है। तो अपना बॉडी, ह्यूमन बॉडी इतना स्मार्ट है कि जब उसको पता है कि ये सामने वाला जो अपना बंदा है वो बॉडी को फैट दे रहा नहीं है, तो अपना बॉडी अपने बॉडी सेल्स में फैट स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। तो वो आपके बॉडी में ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है, बिकॉज उसको पता है कि आपके बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, ब्रेन फंक्शन, जो भी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन के लिए जितना फैट चाहिए वो स्टोर करता जाता है। उसकी वजह से आपकी बॉडी में एक्सेस में फैट स्टोर हो जाता है। तो कभी भी पूरे फैट, पूरी तरह से फैट को बंद मत करिए, हेल्दी फैट्स को चालू रखिए। एंड सेकेंड चीज़ है, जब आप फैट का इंटेक करते हो, तो अपनी बॉडी में जो फैट सेल्स है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है लेप्टिन। लेप्टिन का काम होता है अपने ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ाना और फैट को बर्न करना, ये काम होता है लेप्टिन का। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने फैट बंद किया तो आपका बॉडी में से फैट निकले, ये गलत है। आपको हेल्दी फैट्स को रखना ही है, उसके बिना आपकी बॉडी से फैट नहीं निकलने वाला है। फिर बहुत लोग बोलते रहेंगे कि फैट अगर जाएंगे खाएंगे तो ज़्यादा कैलोरी इंटेक होता है। आई एग्री विथ योर पॉइंट, आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है, बिकॉज आपको 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज मिलता है। तो आपको वो कैलकुलेट करना है प्रॉपरली एज पर योर बॉडी गोल, बट आपको पूरा फैट बंद नहीं करना है। क्योंकि अगर आप पूरा बंद कर दोगे तो लेप्टिन प्रोड्यूस, जब ना फैट से लेप्टिन प्रोड्यूस नहीं करेगा हार्मोन, तो हार्मोन अगर लेप्टिन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो आपके बॉडी में जो फैट सेल्स है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, उनका जो मेटाबॉलिज्म फास्ट करना और उसके बाद उसको फैट सेल्स को, फैट को बर्न करना, वो अपना काम नहीं कर पाएगी। अब कार्ब्स से ज़्यादा फैट को क्यों कंज्यूम करना चाहिए? बिकॉज जब आपका कार्ब्स ज़्यादा हाई होता है, आपका इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है, और जब आपका फैट्स ज़्यादा रहता है तो आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप रहता है। कार्ब्स कम रहेगा तो आपका इंसुलिन लेवल भी ड्रॉप रहेगा। जब आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप रहता है, आपका बॉडी एनर्जी कहाँ से लेता है? आपके फैट सेल से लेता है, और आपके बॉडी मसल्स को फ्यूल प्रोवाइड करता है टू वर्कआउट, टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो प्लीज़ कार्ब से ज़्यादा आप फैट को रखिए अगर आपको फैट लॉस करना है तो। और फैट्स आपको काफ़ी टाइम तक लाइक ऐसे आपको मतलब फुलर फील करवाता है। फुलर मीन्स समझो आपने दिन में 5 मील्स करने हैं या फिर 4 मील्स करने हैं, तो आपने समझो अगर फर्स्ट मील या सेकंड थर्ड जो भी मील्स में आपने फैट कंज्यूम किया है, तो आपको नेक्स्ट मील तक आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट भरा भरा, लाइक काफ़ी आपको लाइक फुलर फील होगा। ज़्यादा ऐसा आपको स्नैक करने, आप स्नैक जो करते कभी कभी, जो लोग बहुत लोग स्नैक्स कर लेते बीच में, कुछ बिस्किट्स खा लेते, कोई भी मतलब कुछ भी स्नैक्स कर लेते, तो आपको उससे वो फैट के इंटेक की वजह से आपको वो फुलर फील होगा, और आपको बीच में स्नैक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फैट से और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, वो है फैट्स मसल बनाने में भी हेल्प करता है।
बिकॉज फैट्स जब बॉडी में इंक्रीज होता है, हेल्दी फैट्स की बात करता हूँ मैं, तो आपका MPS बढ़ जाता है. MPS मीन्स मसल प्रोटीन सिंथेसिस आपका बढ़ जाता है, जिससे आपका बॉडी का जो मसल्स है वो मेंटेन रहता है. तो मैं अभी आप लोगों को ये वीडियो को एंड करता हूँ और कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो मैंने बताया है वो हेल्दी फैट के रिलेटेड बताया है, हेल्दी फैट से लेकर संबंध में बताया है, मैंने अनहेल्दी फैट को कंसिडर नहीं किया है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जाके किसी को भी बोल देना कि बेगन ने बोला है कि फैट कंज्यूम करना है, तो आप कोई भी जाके फैट कंज्यूम मत करना, हेल्दी फैट कंज्यूम करना ट्राई करो और अपने कैलोरी डेफिसिट में रह के हेल्दी फैट को कंज्यूम करना ट्राई करो. आपका जो फैट है वो डेफिनेटली लूज होगा और आप काफ़ी अच्छा जो आपका गोल है वो अचीव कर पाओगे. सो अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा और जो मेरे फैक्ट आपको जो मैंने बताए वो अगर आपको समझ में आए हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. और डू कमेंट कि आपको मेरे जो पॉइंट्स मैंने बताया उससे अग्री करते हो या नहीं. अगर नए भी करते तो वो भी कमेंट करके बता देना. आई विल डेफिनेटली रिसर्च मोर ऑन दिस एंड आई विल कम अप विथ अ न्यू वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ शेयर द वीडियो. दैट्स माई लाइक हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू ऑल ऑफ यू. स्टे फिट बिकॉज हम फिट तो इंडिया फिट. चलो बाय.